हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और आप सारे लोगों को पता है कि कल थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में बहुत ही ज़बरदस्त मूव मिलता है और हमने हर एक एक्सपायरी में 2x 3x कैपिटल लोगों का किया है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको भी देखना, समझना और सीखना है तो मैं डेली 1:30 PM में लाइव आता हूँ, खास करके एक्सपायरी में स्पेशल लाइव आता हूँ और उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से, कि कहाँ से किस तरीके से हम लोग 0-0 ट्रैक करेंगे, कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ पे हम लोग को टारगेट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो कल का अगर प्लानिंग करें तो उसके पहले मैं बात कर लूँ, हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था मार्केट जस्ट वैसे ही बिहेव किया। हमने बताया था कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर तुरंत वहीं से रिवर्सल मिलता है तो वहीं से हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे और मार्केट ओवरऑल हमारे लेवल तक आती है 43,940 हमारा फाइनल लेवल होता है और मार्केट 43,944-45 के आसपास आकर के वहीं से फिर हाँ। तो बैंक निफ्टी में इसी तरीके से सेम निफ्टी में भी हम लोग का जस्ट ऐसे ही लेवल टू लेवल टारगेट मिला। अब देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। कल का प्लानिंग जो हमारी है 44,045 के अबव अगर निकले तो हम लोग कॉल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट क्या हो सकता है 44,166, 44,200 और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 44,250, 44,350। फाइनल जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 44,420 और उसके बाद ऊपर एक ट्रेंड लाइन है 44,440। यहाँ हम लोग को ओवरऑल ये क्लोज कर लेना होगा। ये कॉल साइड की प्लानिंग हो गई। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप कहाँ पे 44,150-160 के आसपास हो जाती है तो जस्ट हम लोग जैसे आज देखे कि रिजेक्शन मिला, उसी तरीके से अगर रिजेक्शन देखने को मिले वन वे तो उसी टाइम हम लोग पुट साइड का सिनेरियो देखेंगे, राइट। अब देखते हैं कि मार्केट डाउन साइड का क्या सिनेरियो, डाउन साइड अगर मार्केट निकलना शुरू करे 43,940 के बिलो तो हम लोग वहीं से पुट का सिनेरियो देखेंगे। टारगेट 43,810, 43,700, 43,665, 43,500 जहाँ फाइनल हम लोग को एग्जिट करना होगा। मार्केट अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन कहाँ पे अगर 43,920 के आसपास हो जाए या 43,850 के आसपास तो वहीं से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो हम लोग कॉल साइड का प्लान करेंगे और वहीं से रिजेक्शन दिखे वन वे तो हम लोग फिर 43,500 तक का टारगेट देख सकते हैं। अब देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो निफ्टी का हम लोग कॉल का जो प्लानिंग करने वाले हैं 18,770 के एबव भी प्लान करेंगे। टारगेट हमारा 18,790, 18,816, 18,871 और फिर अगर कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप 18,780 के आसपास तो वहीं से रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन के दौरान हम लोग पुट साइड में जाएंगे और नहीं तो फिर अपर साइड निकले तो वहीं कॉल का प्लान करेंगे। मार्केट अगर डाउन साइड की अगर देखा जाए तो डाउन साइड 18,750 के बिलो ही हम लोग जाएंगे। टारगेट 18,720, 18,680, 18,646, 18,617 और 18,583 जहाँ फाइनल एग्जिट करना होगा। तो ये एक्सपायरी का ओवरऑल एनालिसिस था और बाकी लाइव स्ट्रीम में आइए वहाँ